हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वान नट। तो आज हम लॉकिंग बाय स्वान नट की ड्राइंग करने वाले हैं। तो ये हमारा स्वान नट का फ्रंट व्यू दे रहा है, ये टॉप व्यू दे रखा है, ये थर्ड एंगल में, इसलिए टॉप व्यू ऊपर है। हम फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो हमारा टॉप व्यू नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो को ज्यादा लेंदी ना होने के लिए हमने हेक्सागन यहाँ पे हेक्सागोनल नट पहले ही बना रखा है बोल्ट की असेंबली के साथ। ठीक है, तो मैं इसको मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है, लेकिन अगर आपको ठीक से सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरी हेक्सागोनल नट की ड्राइंग देख सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके कि हेक्सागोनल नट बाय इंजीनियरिंग एंड पोएट्री करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करोगे तो आप ऐसे इंजीनियरिंग एंड पोएट्री, हेक्सागोनल नट बाय इंजीनियरिंग एंड पोएट्री, ठीक है, ये टाइप करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ड्रॉ करनी है। डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर कहते हैं इसे। यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 2D है। 2D हमारा 30 mm है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हाइट ड्रॉ की D की, तो 30 हमारे D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm ड्रॉ कर दिया दोनों साइड। ठीक है, फिर एक बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये D है। ठीक है, एक्सिस लाइन से, एक्सिस लाइन जो हमारी थी उससे डी का हाफ यहाँ पे लिया और डी का हाफ इधर लिया। मीन्स हमारे 30 mm का डी है, तो 15 mm इस साइड लिया, 15 mm इस साइड मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, ये हमारा ये चैम्फर, रेडियस ऑफ चैम्फर है। रेडियस ऑफ चैम्फर हमारा कितना होता है, यहाँ पे होता है, ये होता है 1.4D होता है। ठीक है, 1.4D होता है, 1.4D, 1.4D, डी हमारा 30 है, तो 1.4D हमारा 42 mm आया। तो कंपास में हमने 42 mm खोला रेडियस और एक आर्क लगा के इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने छोटे वाले जो बॉक्स है हमारा बचा, इसमें इसकी इस पे हमने फिलेट, ये फिलेट या रेडियस कैसे, चैम्फर कैसे ड्रॉ किया ये बताता हूँ मैं आपको। कुछ बुक्स में 30 mm लेके, सारी बुक्स में लगभग 30 डिग्री एंगल पे हम इसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं इसका इजी मेथड बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको ड्रॉ कर दिया था, फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसके एक्सिस पे हमने इसको आधा दोबारा किया। इस वाले छोटे वाले बॉक्स को हमने आधा डिवाइड किया, मीन्स इसके इसके बीच हमने एक्सिस लाइन खींची। फिर उस एक्सिस लाइन पे हमने इस पॉइंट से लेके उसके एक्सिस लाइन तक हमने ये लाइन खींची। ठीक है, लाइन खींची, फिर लाइन को हमने ज्योमेट्रिकली हाफ डिवाइड किया। वो कैसे किया, इस जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस जितनी है, लेंथ है उसकी, उसकी लेंथ की हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा लेकर हमने एक बार इस पॉइंट से इधर आर्क ड्रॉ की, इस पॉइंट से, फिर इसी पॉइंट से हमने इधर आर्क ड्रॉ की, फिर उल्टा हमने घुमाया इसे सेम आर्क को, रेडियस को, और एक बार हमने इधर आर्क ड्रॉ की, फिर एक बार हमने इधर आर्क ड्रॉ की, तो दोनों साइड हमारी आर्क ड्रॉ हो गई। और फिर जहां पे आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुई उस पॉइंट से हमने एक लाइन खींच दी, और जो लाइन हमने खींची वो लाइन हमारी एक्सिस, जो हमने इस पॉइंट को ये हमारा जो छोटा वाला बॉक्स था इसको हाफ डिवाइड किया था, एक्सिस लाइन ड्रॉ किया था उसके लिए, वो उस एक्सिस लाइन को यहाँ पे कट करेगा। वहां से इस जैसे हमारा इस पॉइंट पे कटा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमने कंपास खोला और आर्क ड्रॉ कर दी। सिंपली हमने इस साइड भी ड्रॉ कर दी बिना कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि हमें एक तरफ कंस्ट्रक्शन दिखाना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमारा इसमें बोल्ट लगा हुआ था, तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट को हमने पूरा ना दिखा के सेक्शनिंग कर दिया, इसको बीच में से ब्रेक करके दिखा दिया, क्योंकि हमें इसकी असेंबली ही दिखानी है सिर्फ, है ना। तो जो हमारा बोल्ट होता है वो हमारा डी साइज का होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक्सिस से डी मार्क किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm, क्योंकि डी हमारा 30 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 30 mm का हो गया, 30 mm का हमारा डी था। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी सर्टेन लेंथ पे, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फिर सेम है हमने ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इसके इसमें हमने इसकी थ्रेडिंग शो कर दी। थ्रेडिंग हमारी बुक में कुछ इस तरह से शो है ये वाला साइन, लेकिन हमने दूसरा वाला साइन यूज किया, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होगा और थ्रेडिंग शो करने का ये भी साइन स्टैंडर्ड है। ठीक है, इस साइन को हमने शो कर दिया, जो थ्रेड या थ्रेड जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है बन गया, और इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पे थ्रेड खत्म हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये होती है 0.8D। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे फिलेट ड्रॉ हो रखा है, जैसा कि हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये ऊपर इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ सर्कल मास्टर से हमने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया। आप डी से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर कंपास से भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम बचाना है तो आप इसी तरह से इजी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी मेन प्लेट होती है हमने वो ड्रॉ कर दी,
और इस पे हैच कर दी। मेन प्लेट का हमारा कोई डायमेंशन नहीं है इसलिए हमने इसे ब्रेक करके ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। अब आते हैं हम अपनी मेन ड्राइंग पे, ठीक है। क्या करना है अब हमें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारा 0.5D मार्क करते हैं। सबसे पहले 0.5D हमारा कितना, डी हमारा 30 है, तो 0.5D हमारा कितना हो गया, 15 mm हो गया, ठीक है। 15 mm हमने मार्क किया और यहां तक इसको लाइन हम खींच देंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी डार्क पेंसिल से, और इस लाइन को भी हम डार्क कर देंगे, है ना, इसको डार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा जो इसके बीच में गैप है 0.2D है ना, 0.2D है, 0.2D हमारा 6 mm आया, तो यहां से लेके यहां तक 6 mm हम मार्क करते हैं। इस पॉइंट से हम 6 mm ऊपर मार्क करते हैं, इस पॉइंट पे हमारा आया, इसके ऊपर हमने डायमेंशन डार्क कर दिया और हमने यहां से इसको मिला दिया और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे मिला दिया जैसा कि हमारा इस फिगर में गिवन है ना, तो हमने मिला दिया और ये लाइन हमने ऐसे डार्क कर दी यहाँ पर भी, ठीक है, जैसे कि यहाँ तक, ठीक है, और इसको यहाँ तक, और इसमें हमारी जो थ्रेडिंग पोर्शन है इस पोर्शन में भी हमने यहाँ ऐसे का ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है, और इस लाइन को भी हमने यहाँ तक मिला दिया, ठीक है, हमारा थ्रेडेड पोर्शन ये दिख गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा इसमें सेट स्क्रू लगा हुआ है, सेट स्क्रू ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्रू का हमारा डाई कितना है, 0.2D ही है, 6 mm का, है ना, जो कि 6 mm का हमारा आएगा 0.2D, क्योंकि डी हमारा 30 mm है, तो 0.2D हमारा 6 mm आया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ड्रॉ करेंगे, तो हमारा सेट स्क्रू यहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमने हाफ करके एक्सिस ड्रॉ किया था, इसको लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से, ताकि हमें दोबारा दिखे, क्योंकि ये मिट गया था, तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम एक सर्टेन लेंथ, इसकी कोई लेंथ हम कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, क्योंकि सेट स्क्रू की हमारे लेंथ नहीं गिवन है इसमें, और वो कितनी भी लेंथ का हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मींस जो स्टैंडर्ड हो उसके, हमारे जो बोल्ट नट है उसके हिसाब से, ठीक है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसका डाया हमारा कितना है, 6 mm का है, तो 6 mm का डाया है, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड mm, है ना, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ 6 mm तक, यहाँ तक ड्रॉ गया, और इसको ऊपर तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी ड्रॉ कर दिया हमने, है ना, और इस पॉइंट को हमने एक ट्रायंगल का दे दिया, ठीक है, एंगल ऐसे, जैसे कि हमारा इसमें बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं। अब हम इसका हेड बनाएंगे, हेड हमारा इसका डी है, तो जितना इसका डी हमारा, मान लो डी हमारा इसका 6 mm का हो गया, 6 mm का डी है, तो 1.5D हो जाएगा, तो डी हमारा यहाँ पे 6 है, सेट स्क्रू के लिए, टोटल के लिए नहीं, ठीक है, टोटल का डी तो हमारा 30 mm का था, टोटल यानी स्मॉल डी हम ले रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल डी इक्वल टू 6 mm, तो स्मॉल डी 1.5 × d कितना हो गया हमारा वैल्यू, हम निकालते हैं वो आई हमारी 9 mm, ठीक है, तो उस 9 mm को हम हाफ डिवाइड करते हैं इस एक्सिस से, मतलब 4.5 mm इधर, 4.5 mm राइट साइड, ठीक है, तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमारा सेट स्क्रू बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 4.5 है, ठीक है, और ये वाली हाइट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये डी है, जो स्मॉल डी है, तो हमारा स्मॉल डी कितना था 6 mm, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm हमने ड्रॉ किया, और सिंपली हमने इसमें एक स्लॉट भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये स्लॉट हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया फ्री हैंड, इस फ्री हैंड ड्रॉ करने के बाद हमारा ये ड्रॉ हो गया, तो हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया स्वान नट का, लॉकिंग बाय स्वान नट की, ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशनिंग है थोड़ी सी बची है वो कर देता हूँ, फिर हम उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे, तो हमने डायमेंशनिंग कर दी यहाँ पे, अब हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हेक्सागन बनाएंगे, तो वो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, एक्सिस लाइन ले ली है मैंने, फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने 2D का डाया का एक सर्कल ड्रॉ किया, जिसका रेडियस हमने यहाँ पे यहाँ तक लिया, मेजर किया, जो जिसका रेडियस हमारा डी है, तो 2D का हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नट है अक्रॉस फ्लैट अक्रॉस कॉर्नर है, तो अक्रॉस कॉर्नर जब हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए जो हमारा नट बनाने के लिए हमारा स्टार्टिंग होता है आर्क, जो कि हमारा ये रेडियस डी के इक्वल ही होता है हमारा रेडियस, उसको हम
हॉरिजॉन्टल एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर अक्रॉस फ्लैट बनाना होता है तो जो हमारा रेडियस, हमारी आर्क काटना होता है, वो हम वर्टिकल प्लेन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट किया, तो हम इस आर्क को सेम जो हमारा रेडियस है, डी का रेडियस की आर्क है, इसको हम पूरा एक इस पॉइंट, पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पर काटा, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे काटेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे, फिर ऐसे ही पूरा काट देते हैं, ठीक है। आर्क्स हमारी सारी ड्रॉ हो गई। अब आर्क्स को हम आपस में मैच करेंगे, इस वाली आर्क को हम इससे मैच करेंगे, इसको हम इस वाली आर्क से मैच कर देंगे, ठीक है। सेम है, सारी आर्क को हम मैच कर देते हैं, हमारा हेक्सागन बन जाएगा। तो हमारा हेक्सागन बन गया। अब क्या करेंगे, इस हेक्सागन में एक हेक्सागन पे अंदर हेक्सागन के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस हमारा क्या होगा, यहाँ से 0 इसके सेंटर से रखेंगे, और इस पॉइंट पे जो हमारा ये है, ये लाइन है, यहाँ तक कंपास खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके अंदर ये डी डाया का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डी डाया है। सबसे पहले बड़ा हमारा सर्कल ड्रॉ किया था हेक्सागन बनाने के लिए 2D का, ठीक है। अब डी डाया का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डी डाया का सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे इसका डायरेक्टली यहीं से हमने मेजर कर लिया, और सेंटर पॉइंट पे रख के डी का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। डी डाया का डी हमारे यहाँ पे 30 है, 30 mm। डी डाया का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम 0.8D का इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसे पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे सर्कल को, थोड़ा हाफ ओपन रखेंगे, ठीक है, थोड़ा ओपन रखेंगे, जो कि हमारी थ्रेडिंग शो करेगा। ये वाली जो थ्रेडिंग है ना हमारी, अंदर जो हमने कट लगाया है उसको शो करेगा। तो हमने अंदर भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये इंटरनल थ्रेडिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे टॉप व्यू में सिर्फ ये जो हमारा सेट स्क्रू है, उसका टॉप व्यू में एक सर्कल बनाना रह गया, और उसमें एक स्लॉट बना देंगे, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पे एक जो हमने यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम, इस पॉइंट से यहाँ पे आया, ठीक है, और इसी लाइन पे हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे इसके इक्वल, ठीक है। लेकिन इतना छोटा हमारा सर्कल ड्रॉ करना कंपास की हेल्प से बहुत मुश्किल होगा, तो हम इसको डायरेक्टली हम अपने सर्कल मास्टर से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हम सिंपली एक स्लॉट बना देते हैं इसी डायरेक्शन का, जो टॉप व्यू है, ठीक है। बुक में थोड़ा अलग बना रखा था, लेकिन हम इसी डायरेक्शन का बना देंगे इसमें एक स्लॉट, ठीक है, फ्री हैंडली। तो ये हमारा स्लॉट बन गया, और ये हमारा हमारा सेट स्क्रू है, ठीक है। तो जो हमारी असेंबली है वो कंप्लीट हुई। आप टॉप व्यू में एक डायमेंशन दिखाना है वो दिखा देते हैं, फिर हमारी कंप्लीट हुई ये असेंबली स्वान नट की, ठीक है, लॉकिंग बाय स्वान नट की कंप्लीट हुई, ठीक है। तो मैंने इसमें सेट स्क्रू दिखा दिया और इसकी डायमेंशन दिखा दी। हमारी ये असेंबली लॉकिंग बाय स्वान नट की कंप्लीट हुई, ठीक है। जो मैंने सेट स्क्रू लिखा है इसे कैपिटल से लिखना है आपको, मैंने स्मॉल में लिखा है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।